मंगलवार को लोहार समाज के 164 परिवारों को एडीए ने दीपावली का तोहफा दिया। एडीए ने इन परिवारों को जेएनयूआरएम योजना के तहत निशुल्क आवासों का वितरण किया। खास बात यह है कि यह सभी परिवार अपनी मजबूरियों के चलते सड़क किनारे कच्चे आवासों में जीवन यापन करने को मजबूर थे। जेएनयूआरएम की बीएसयूपी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को निशुल्क आवास उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। इसी योजना के तहत एडीए द्वारा मंगलवार को 164 आवासों की लॉटरी निकाली गई। इस योजना के लाभार्थी के रूप में एडीए ने उन लोहार परिवारों का चयन किया था जो सड़क किनारे कच्चे आवासों में निवास करते थे। बीएसयूपी योजना में हमारे जो लोहागल में आवास बने हुए हैं उसमें 164 लोगों को आज लॉटरी से आवंटन किया है। इन लोगों को अलग अलग बस्तियों में ये लोग रह रहे थे जहाँ पर ये सब एक जगह ही रहना चाह रहे थे, तो इनको सबको कोई पहाड़गंज में था, कोई मलूसर रोड पे थे, इनको सबको एक ही साथ लोहागल में जो आवास बने उसमें शिफ्ट किया गया। दीपावली से पहले मिले आवासों ने बेघर लोहारों को जीने के लिए एक नई रोशनी दी है। यह परिवार बेहद खुश है कि सरकार ने उन्हें आवासों का तोहफा दीपावली से पहले दिया ताकि वो जीवन में पहली बार अपने खुद के घर में दीपावली मना पाएंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण का धन्यवाद हो, जो हम फुटपाथ पे पड़े थे वो हमें एक छत दे दी। हम 164 परिवारों की आज लॉटरी खोल लिए और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं, ताकि हमारे बच्चे आए दिन एक्सीडेंट नहीं हुए और आए दिन कोई भी हादसे होते रहते, और हमें दिवाली का ये तोहफा मिला ताकि हम अपना एक घर समझ के एक नया तोहफा मिले। सब लोगों को अलाउड हो चुकी है कवाटें और इनमें से क्या पाँच छः जने रह चुके तो इनको नहीं मिली। अब भी सरकार से निवेदन करते हैं कृपा करके इनको भी मिल जाए बेचारे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के इस कदम ने 164 परिवारों को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो योजना के सभी मापदंड पूरे करते हैं लेकिन उन्हें आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। एडीए का दावा है कि वंचित रहे परिवारों को भी बहुत जल्द ही अपने घर में रहने का मौका मिल पाएगा।